बृहस्पति का दूसरा नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। पंडित जी, बृहस्पति के दूसरे नक्षत्र विशाखा की क्या क्या विशेषता है? अब बात करते हैं बृहस्पति के दूसरे नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है विशाखा। विशाखा नक्षत्र दो राशियों से जुड़ा हुआ है, तुला राशि और वृश्चिक राशि। इसका कुछ हिस्सा तुला राशि में आता है और कुछ हिस्सा वृश्चिक राशि में आता है। विशाखा नक्षत्र धीरे धीरे गति से चलता है, उत्तम और स्थिर फल जीवन में प्रदान करता है। विशाखा नक्षत्र के लोग धैर्य और दृढ़ता के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसा देखा गया है। धीमे तो चलते हैं लेकिन बड़ी मजबूती से आगे बढ़ते हैं, ऐसा जीवन में जरूर होता है। और इनको धीरे धीरे ही सफलता मिलती है, लेकिन जीवन में बड़ी सफलता जरूर मिलती है। विशाखा नक्षत्र वाले लोग कभी कभी बड़े जिद्दी और बड़े तानाशाह टाइप के हो जाते हैं, जबरदस्ती डोमिनेट करते हैं, अपनी बातों को इम्पोज करते हैं। ये गुण विशाखा वालों में बहुत होता है। इनका सामाजिक पक्ष बहुत अच्छा नहीं होता, अक्सर जीवन में अकेले रहते हैं। इनको प्रेम और रिश्तों के मामले में अक्सर धोखा मिलता है, प्रेम और रिश्तों के मामले में अक्सर इनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। विशाखा नक्षत्र के लोग लेखन में, शासन में, राजनीति में और कानून के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। जब किसी बालक बालिका का विवाह हो रहा हो और बालिका का नक्षत्र विशाखा हो, तो बहुत सोच समझ कर शादी करिएगा। बालिकाओं का नक्षत्र विशाखा होना उनके पारिवारिक जीवन के लिए और उनके आचरण व्यवहार के लिए शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए जब किसी बालिका का जन्म विशाखा नक्षत्र में होता है, तो विधिवत इस नक्षत्र की पूजा कराई जाती है, ताकि बालिका के जीवन की शुभता पर इस नक्षत्र का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।